धोनी सर, पहले क्रिकेट के फील्ड में और अब फार्मिंग के फील्ड में, आप खेती की तरफ कैसे मुड़े? खेती अगर आप देखो तो वी केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, रांची बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो बचपन से ही प्रॉक्सीमिटी टू फार्मिंग वॉज देयर. इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस. जहाँ तक इस पर्टिकुलर फार्म की बात की जाए तो वी स्टार्टेड बिफोर कोविड. यू नो, हमारे पास एक 40 एकड़ की ज़मीन थी एंड इट वॉज़ यूज फॉर फार्मिंग, यू नो, बिफोर आई बॉट इट ओवर. सो हम लोग उसमें थोड़ी फार्मिंग कर रहे थे 40 एकड़ में, मे बी यू नो, धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड यूजिंग 4.5-5 एकर्स. बट जब कोविड हुआ तो ऑफकोर्स लॉकडाउन था एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड आई फेल्ट कि ये सही समय है फार्मिंग में जाने का. इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग, यू नो, स्पेशली अगर आप देखो कि एक दिन पहले आप जाके देखो तो भिंडी इतनी बड़ी है, यू नो, ओवरनाइट सवेरे जब आप जाते हो तो ऑल ऑफ अ सडन इट ग्रोस. आपको ऐसा लगता है कि यू नो, इफ़ यू सिट देयर द होल नाइट यू विल एक्चुअली सी इट ग्रो. सो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग एंड उस समय हमने डिसाइड किया कि यू नो, दिस इज समथिंग आई डेफिनेटली वॉन्ट टू डू. एंड सिर्फ 1-2 एकड़ में नहीं, मेरे पास 40 एकड़ है. सो कोशिश करेंगे, यू नो, जितने ज़्यादा में कर सके. सो वी स्टार्टेड विद दैट और आज हम लोग ऑलमोस्ट पूरे 40 एकड़ को यूज़ कर रहे हैं. सर, आप अपने फार्म में क्या क्या उगाते हैं? लिस्ट काफ़ी लंबी है क्योंकि ओवर द ईयर्स काफ़ी क्रॉप रोटेशन हुए हैं, बट ब्रॉडली अगर बोले तो वाटरमेलन. यू नो, आई थिंक इट्स लाइक अ रिचुअल ऑल्सो. अगर वाटरमेलन उगता है, मुझे पता नहीं है. सो एवरीबडी इज़ लाइक कि जो पहला आप क्रॉप लगाते हो वो वाटरमेलन का होना चाहिए. अगर मे बी सुपरस्टिशन या जो भी हो, तो हमने पहले वाटरमेलन से स्टार्ट किया. सो वाटरमेलन, पपाया, देन एक समय आया व्हेन वी पुट अ लॉट ऑफ फ्रूट ट्रीज ऑल्सो. सो अमरूद के पेड़ लगाए, यू नो, अमरूद के साथ एप्पल पेयर. सो एप्पल पेयर वॉज, दिस अ फर्स्ट टाइम जब उसका फ्रूट बेयरिंग स्टार्ट हुआ. उसके अलावा अभी पाइनएप्पल लगा हुआ है, ड्रैगन फ्रूट, हल्दी, जिंजर, यू नो. और मैंने क्या किया कि सो वी हैव, इट्स लाइक अ बिगिश फार्म. सो मैंने बोला जहाँ से भी ट्रैक्टर जाने का रास्ता है ना, उसके दोनों तरफ हम आम के पेड़ लगाएंगे. सर, आपने अपनी फार्मिंग की शुरुआत स्वराज के साथ की, इसकी कोई खास वजह? हम लोग भी क्या था कि नई चीज़ सीख रहे थे. सो ऑफकोर्स मैं थोड़ा इंक्लाइन था कि जितने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने ज़्यादा हम यूज़ कर सकें, यू नो, उतना अच्छा होगा, बिकॉज यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. एब्सोल्युटली. एंड यू नो, थिंग्स आर मोर इन योर कंट्रोल. तो हमें भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट सबसे हेल्प तब होता है जब आप उन लोगों से पूछो जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं. एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हमारे पास, यू नो, वी लकी इनफ कि एक दो ऐसे बंदे थे हु हैड नॉलेज अबाउट इट. एंड बाय द टाइम वी डिसाइडेड कि अभी हमें एक ट्रैक्टर लेना ज़रूरी है. सो वी वांटेड समथिंग जिसमें काफ़ी टॉर्क हो, मतलब खींचने की शक्ति ज़्यादा हो. एंड हमारे लैंड में भी क्या था, वी हैड अ लो लाइंग एरिया ऑल्सो. तो वी हैव अ पॉन्ड, पॉन्ड के बाद एक नीचे का एरिया जहाँ पे थोड़ा पानी भी थोड़ा जमा रहता था. सो वी फेल्ट वी नीडेड अ ट्रैक्टर जिसमें काफ़ी पावर हो. रिलायबिलिटी इज़ अ बिग थिंग. और फ्यूचर में हम लोग ज़्यादा अटैचमेंट्स यूज़ करना चाहते थे क्योंकि उससे फार्मिंग थोड़ी ईजी हो जाती है. सो वी लुक्ड एट एवरीथिंग एंड उसके बाद जो रिकमेंडेशंस भी आए, यू नो, तो स्वराज उसमें एकदम ऊपर पे थी. एंड नॉट टू फॉरगेट, रेट बहुत अच्छा मिला था. एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू द लोकल गाय ओवर देयर. सो यू नो, वी एंडेड अप बाइंग द स्वराज. एंड यू नो, लास्ट 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है, इट हैज़ बीन फैंटास्टिक. यू नो, टचवुड, नज़र ना लगे, बट इट हैज़ बीन रियल. तो सर, अब आप ये बताइए कि आपका अब तक का फार्मिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यू नो, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, इन द सेंस काफ़ी चीज़ें फार्मिंग में जो आपके कंट्रोल में है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं, समय के साथ आप सीखते हैं. सो आई फील जर्नी बहुत ही अच्छी रही है. आई डोंट थिंक आई हैव मास्टर्ड इट. और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ, बट इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो, बहुत ही सैटिस्फाइंग है. और गलतियों से आप सीखते हैं. एब्सोल्युटली. यू नो, एंड जिस तरीके से अगेन रिसर्च चल रहा है, यू नो, कौन सा क्रॉप आप कब लगाना चाहते हैं, फिर सेम पीस ऑफ लैंड में उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, सो दैट द न्यूट्रिएंट कंटेंट रिमेंस द सेम. अगर मैं आपसे पूछूं कि फार्मिंग और क्रिकेट को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से क्या टफ है? लाइफ में क्या होता है, हर चीज़ ही टफ होती है. देर इज नथिंग, यू नो, दैट इज ईजी. सो क्रिकेट भी टफ है, फार्मिंग भी बहुत टफ है. नाउ जब मैंने पास से देखा है तो आई कैन रियलाइज, यू नो, क्रिकेट का प्रेशर बहुत ही अलग प्रेशर है. यू नो, क्योंकि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहोगे कि आप अपना बेस्ट दो. प्रिंसिपली अगर आप देखो तो फार्मिंग भी, इट्स ऑल्सो वेरी सिमिलर. सिर्फ ये चीज़ है कि कई बार देर आर थिंग्स इन योर कंट्रोल, देर आर थिंग्स
which are not in your control. Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. Thank you.